इमोशंस की धुंध के बीच चीजों को उनके असली रूप में देखना मुश्किल होता है, और तभी यही बेस्ट स्टेट होती है किसी को मैनिपुलेट या फिर सिड्यूस करने के लिए। रॉबर्ट ग्रीन। किसी इंसान को सिड्यूस करने का मतलब होता है उसकी रियलिटी को कुछ इस तरह से मैनिपुलेट करना जिससे वो आप में फिजिकल या फिर रोमांटिक इंटरेस्ट लेने लगे। नॉर्मली जब भी हम अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू किसी को अट्रैक्ट करते हैं तब हम बोलते हैं कि सामने वाला इंसान एक सेपियोसेक्सुअल है, यानी वो इंटेलिजेंट लोगों से अट्रैक्ट होता है। लेकिन जब हम किसी को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी इंटेलिजेंस को सिचुएशन के हिसाब से कभी कम या फिर कभी ज्यादा दिखाते हैं और झूठ भी बोलते हैं, तब वो होता है प्योर साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। तभी रियल सिडक्शन नाइस लोगों की बस की बात नहीं होती। किसी को भी सिड्यूस करने के लिए आपको अपनी डार्क साइड की मदद लेनी पड़ती है। इसलिए इस एपिसोड में दी गई टेक्निक्स को बहुत सोच समझ कर और अपनी विजडम के साथ यूज करना, और इनकी ताकत को मिसयूज मत करना। नाउ लेट्स बिगिन। स्टेप नंबर 1, चूज द राइट विक्टिम। जो लोग ओवरली इमोशनल होते हैं उन्हें मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। इसी वजह से सिडक्शन का परफेक्ट विक्टिम वो होता है जो बहुत खुश, गुस्सैल, मैनली, फेमिनिन, शाय या लॉस्ट होता है। जस्ट थिंक अबाउट एक्सट्रीम इमोशनल स्टेट्स, चाहे वो आपको ऑलरेडी बहुत लाइक करता हो या आपको हेट करता हो, चाहे वो बहुत इनसिक्योर हो या फिर ओवरली कॉन्फिडेंट। किसी भी केस में मेक श्योर कि एक इंसान इमोशन से भरा हुआ है। यूजुअली लोग सोचते हैं कि सिडक्शन शुरू होता है टचिंग और फिजिकल बाउंड्रीज को कम करने से, लेकिन असलियत में द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज साइकोलॉजिकल। आपको सामने वाला इंसान एक पर्टिकुलर स्टेट में चाहिए होता है ताकि वो किसी भी तरह की फिजिकल इन्वॉल्वमेंट पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करे बजाय अनकंफर्टेबल फील करने के। स्टेप नंबर 2, क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अगर आप शुरुआत में दूसरे इंसान को ये फील करा सको कि वो फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं आपके क्लोज आने के लिए, तो ये चीज आपको उस रिलेशनशिप में एक हायर पोजिशन देगी, और ये पॉसिबल होगा उन्हें खुद के साथ सिक्योर फील कराने से। शुरू में उन्हें ज्यादा टेंशन मत दो। बहुत जल्दी किसी के आगे पीछे घूमने से उसके पास इमेजिन करने और किसी मिस्ट्री को सॉल्व करने की मोटिवेशन नहीं बचती। सिडक्शन हमेशा इनडायरेक्टली ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए पहले बातों की क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर फोकस करो। कुछ देर उनसे डीप और इवन मौका मिले तो पर्सनल बातें करो, और फिर उनके लिए खुद का एक्सेस ब्लॉक कर दो। बस इतना इंटरेस्ट दिखाओ जिससे वो आप में इन्वेस्ट करने लगें और आपको अपने सीक्रेट्स बताने लगें। स्टेप नंबर 3, गिव मिक्स सिग्नल्स। मिक्स सिग्नल्स इंटरेस्ट की सिंसेरिटी को भी कन्वे करते हैं और दूसरे इंसान को एक्साइट भी करते हैं। एक मिस्टीरियस इंसान जो आपको क्लियरली ये नहीं पता चलने देता कि वो आप में इंटरेस्टेड है या नहीं, वो उस इंसान से ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है जिसके इंटेंशंस पानी की तरह साफ होते हैं। इसलिए कभी भी अपने इंटरेस्ट को सीधा सीधा रिवील मत करो, बस अपने इंटरेस्ट के हिंट्स दो। स्टेप नंबर 4, प्रूव योर डिजायरेबिलिटी। किसी को भी सिड्यूस करने के लिए उनको ये एहसास दिलाओ कि आप ऑलरेडी हाई डिमांड में हो। बहुत से दूसरे लोग भी आपको लाइक करते हैं और आप किसी और के भी हो सकते हो। इस साइकोलॉजिकल टैक्टिक को मार्केटिंग में यूज करा जाता है। गंदे से गंदा प्रोडक्ट भी अच्छे प्रोडक्ट से ज्यादा बिक पाता है अगर उसे हर जगह प्रमोट करा जाए तो। ज्यादातर लोग नोन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं ना कि बेस्ट चीजों में। आपको भी बेस्ट नहीं बल्कि बस नोन और डिजायरेबल दिखना है। इवन अगर आपके पीछे कोई नहीं है तब भी अपनी बातों से यही एक्सप्रेस करो कि आपको कैसे इतनी अटेंशन मिलती है और आप हर किसी को अपना टाइम नहीं दे पाते। स्टेप नंबर 5, क्रिएट अ नीड। परफेक्टली हैप्पी और सेटिस्फाइड लोगों को सिड्यूस करना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि अगर एक इंसान खुद के साथ ही खुश है तो वो आपके पास क्यों आएगा। इसलिए अपने टारगेट के मन में डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करो। अगर वो सिंगल ही खुश हैं तो उन्हें रोमांटिक मूवीज, सोशल मीडिया पर कपल्स के अकाउंट्स या फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल से ये दिखाओ कि सिंगल होने से बेटर तो एक रिलेशनशिप में होना होता है। उनके अंदर एक अर्जेंसी जगाओ ताकि वो जल्द ही अपनी नई नीड्स को पूरा करने की कोशिश करें और इन नीड्स को सिर्फ आपके थ्रू ही पूरा करें। स्टेप नंबर 6, एंटर देयर स्पिरिट। उनको समझो, उनके साथ वाइब करो, जिन चीज़ों में उनका इंटरेस्ट है उनमें खुद का इंटरेस्ट दिखाओ और उनके मूड के अकॉर्डिंग अडेप्ट करो। सिर्फ उन्हें कॉपी मत करो बल्कि वो इंसान बनो जो वो खुद को बनते हुए देखते हैं। एक बार जब वो आपसे इम्प्रेस हो जाएं और आपके साथ खुलने लगें, तब धीरे धीरे उन्हें अपनी दुनिया में लाओ। कई बार अपनी बात मनवाने के लिए पहले आपको खुद को सही साबित करने के बजाय दूसरे की बातों में हामी मिलानी पड़ती है। स्टेप नंबर 7, क्रिएट टेम्पटेशन। अपने टारगेट को लुभाओ उन्हें मिलने वाले प्लेजर के ख्यालों से। उनकी किसी अनरियलाइज्ड फैंटेसी या फिर किसी वीकनेस को ढूंढो जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है और उन्हें उसकी तरफ टेम्प्ट करो। हर इंसान कुछ ना कुछ डिजायर करता है। ये पता लगाओ कि आपका टारगेट हमेशा से क्या एक्सपीरियंस करना चाहता है और उसे उसी चीज के सपने दिखाओ। स्टेप नंबर 8, कीप देम इन सस्पेंस।
सिडक्शन काम करता है एक इंसान के पुराने इमोशंस और थॉट्स को नए इमोशंस और थॉट्स से रिप्लेस करके। अगर दूसरे इंसान के थॉट्स और इमोशंस हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं तो आप कभी उन्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। इसलिए उनके आगे कभी प्रिडिक्टेबल मत बनो, उन्हें ये फिगर आउट मत करने दो कि उन्हें आपसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर आप हमेशा उनसे टाइम पर मिलने आते हो या फिर हमेशा टेक्स्ट का रिप्लाई करने के लिए अवेलेबल रहते हो तो अब एकदम से अपने रिप्लाईज में डिले करना शुरू कर दो। कभी उनमें इंटरेस्ट दिखाओ और कभी गायब हो जाओ और उन्हें ऐसा फील कराओ कि आपको तो उनकी बिल्कुल परवाह ही नहीं है। और अगर वो आपसे इस बदलते बिहेवियर के बारे में पूछें तो सीधा मना करके हर एक्यूजेशन को डिनाई कर दो। स्टेप नंबर 9, डिसआर्म देम विद स्ट्रेटेजिक वीकनेस। ज्यादातर लोग अपनी कमियों और कमजोरियों को छुपाते हैं जिस वजह से उन पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब आप किसी को अपनी मिस्टीरियस पर्सोना के बावजूद उनके आगे अपनी कुछ कमियों या फिर कमजोरियों को रिवील कर देते हो तब उनका बचा कुचा डाउट या फिर शक भी खत्म हो जाता है। ये चीज आपको ह्यूमनाइज करती है और उनमें आपके टूवर्ड्स रिस्पेक्ट को बढ़ाती है। स्टेप नंबर 10, कॉम्प्लीमेंट देयर इनसिक्योरिटीज। किसी को भी खुद से गोंद की तरह अटैच करवाने के लिए उनकी इनसिक्योरिटीज की तारीफ करो। अगर उन्हें अपने बाल नहीं पसंद तो उनके बालों की तारीफ करो। अगर उन्हें अपनी आवाज अच्छी नहीं लगती तो उनकी आवाज के दीवाने बन जाओ। हर कोई खुद को एक्सेप्ट और खुद से प्यार करना चाहता है और जो भी इंसान उन्हें उनकी खूबसूरती की याद दिलाता है वो उसके दीवाने बन जाते हैं। इसलिए उनके फ्लॉज या फिर इनसिक्योरिटीज को ढूंढो और उन्हें खुद में कॉन्फिडेंट फील करा के उन्हें एम्पावर करो। स्टेप नंबर 11, मास्टर द आर्ट ऑफ बोल्ड मूव। इस पॉइंट तक अगर दूसरा इंसान ऑलरेडी आपके प्यार में पागल नहीं हो गया है तो पक्का आपने कोई स्टेप मिस कर दिया है। हाउएवर, अगर आपकी गेम ट्रैक पर है तो अब सही समय है फिजिकली उनके क्लोज आने का। उन्हें सोचने का समय मत दो और कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करो, जैसे एक रैंडम आर्ग्यूमेंट जिसे शांत करने का सोल्यूशन होगा आपका बोल्ड मूव। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी तक शुरुआत के शर्मीले फेज में हो और आपने उन्हें कसकर हक भी नहीं करा है तो उन्हें इस मोमेंट में हक करो। अगर आपने उन्हें किस नहीं करा है तो किस करने की शुरुआत करो। अपने मूव को इनिशिएट करने के बाद भी मन में उस एक्शन को रोकने की तैयारी रखो। जैसे अगर वो इंसान अभी इंटीमेट होने के लिए रेडी नहीं है तो वो आपके क्लोज आने पर थोड़ा हेजिटेट होने लगेगा। ऐसे केस में आपको अभी थोड़ा समय और रुकना चाहिए ताकि वो खुद आपके साथ और ज्यादा खुलें। लेकिन अगर वो रेडी हैं तो आपको पास आते देख वो भी आपको मिरर करके दूरी को कम करने लगेंगे और आपसे सिड्यूस हो जाएंगे। ऑफ कोर्स, आप पहली कोशिश में हर चीज परफेक्टली नहीं कर पाओगे, बट अगर आप एक्चुअल में इंटरेस्टेड हो ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए तो आप फिजिकल इंटीमेसी के अलावा बाकी सारे स्टेप्स को किसी भी इंसान पर आजमा सकते हो। फिर चाहे वो आपका फ्रेंड हो, कॉलीग या फिर बॉस, आप आर्ट ऑफ सिडक्शन को यूज कर सकते हो किसी से भी अपनी बात मनवाने और उनको खुद के पीछे पागल करने के लिए। दोस्तों, क्या आपको ये देखकर हैरानी होती है कि कुछ लोग दूसरे लोगों से जो चाहे वो करवा लेते हैं, पर आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो आपके मुताबिक लोग चीजें नहीं करते। तो आखिर ऐसा क्या है जिसे सीखने के बाद आप भी लोगों से वो सब करवा सकते हैं जैसा आप चाहते हैं? देखिए, हर एक इंसान की बेसिक साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर होता है जिसे समझ के आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और उनसे जो चाहे वो करवा सकते हैं। इसे ही द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन कहते हैं और इसमें सिर्फ 5% लोगों को महारत हासिल हुई है और आप भी इन 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं। लेकिन देखिए, लोगों को मैनिपुलेट करना बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी, क्योंकि जो पर्सन द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन को यूज करता है ये उस पर्सन की नियत पर डिपेंड करता है कि वो अच्छा है या बुरा। यानी ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे पॉजिटिवली यूज करना चाहते हो या नेगेटिवली। यानी कुछ लोग इसे दूसरे लोगों का नुकसान करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि सेल्समैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज वगैरह, और वहीं आप इसे पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हो ताकि लोग आपको बेवकूफ ना बना पाए, आपको मैनिपुलेट ना कर पाए, आपको या फाइनेंशियली कोई नुकसान ना पहुंचा पाए और बजाय आप लोगों के मुताबिक चलें, लोग आपके मुताबिक चलें और आपके अकॉर्डिंग चीजें करें। द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन की मदद से आप एक सीधे साधे इंसान से एक स्मार्ट और समझदार इंसान बन जाओगे, जिसके लिए आपको सबसे पहले ये करना होगा, कैरेक्टर टाइप्स टू लुक आउट फॉर। दोस्तों, आज के टाइम पर आपको कई ऐसे चालाक लोग मिल जाएंगे जो भोले भाले लोगों का यूज करके अपना फायदा निकलवाने में माहिर होते हैं। लेकिन आप ऐसे लोगों के बारे में जानकर आप खुद को मैनिपुलेट होने से बचा सकते हो और उल्टा उन्हें मैनिपुलेट करना सीख सकते हो। यानी उन लोगों पे ध्यान दो जो बातों को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, वो लोग जो बार बार बोलकर आपका भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं, जो लोग एक ही चीज के बारे में बार बार बात कर रहे होते हैं, ऐसे लोग अक्सर झूठे होते हैं। ऐसे लोग आपको बहुत सी डिटेल देते हैं ताकि आप उनके
की बातों पर यकीन कर लो। इससे बचने का सबसे सही तरीका है, जो इंसान बार बार आपको एक ही बात बता रहा है उसकी बातों को गौर से दोबारा से सुनो। जब वो दूसरी बार अपनी कहानी सुनाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो झूठा है या नहीं। जब आप उसे दोबारा सुने तो कंपेयर करिए कि दोनों बार उसकी बातें सेम ही है या फिर वो हर बार कुछ नया झूठ बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, उन लोगों से दूर रहो जो कहते हैं कि उनके पास पहले बहुत पैसा था जो अब डूब गया है, क्योंकि जो खुद ही पैसों के मामले में कमजोर है, अब वो चाहे आपको कितनी भी पट्टी पढ़ाए उसकी बातों में आके पैसों से रिलेटेड कभी कोई डील नहीं करनी चाहिए। और दूसरे ऐसे लोग जो ये दिखाते हैं कि उन्हें सब कुछ मालूम है, उन्हें सब पता है, तो असल में आप किसी बेवकूफ आदमी से डील कर रहे हो। असल में जो ये मानता है कि उससे कुछ नहीं पता वही सबसे स्मार्ट पर्सन होता है। आप दूसरों से लड़ झगड़ के अपनी बात नहीं मनवा सकते। किसी को भी मैनिपुलेट करने के लिए आपको बहुत आराम से और शांत दिमाग से पेश आना होगा। लोग जब ये जान जाते हैं कि आपको बहुत कुछ पता है तो आपकी सक्सेस और फेलियर को आपके खिलाफ यूज किया जाएगा। जब आप फेल होंगे तो सब आपको बुरा भला बोलेंगे, वहीं जब आप कुछ अच्छा करोगे तो कुछ लोग आपसे जरूर चिढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक दुकान पर कुछ खरीदने गए और दुकानदार आपको सामान बहुत महंगा बेच रहा है और आपको खरीदने के लिए मैनिपुलेट कर रहा है। अब अगर आप उससे लड़ोगे, बहस करोगे कि वो सामान सस्ते में दो, तो वो नहीं देगा, क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है या आपको बहुत पसंद है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते, और आप उससे महंगे में भी खरीद लेंगे। उसकी इसी चाल में आने से बचने के लिए अपने आप को ऐसा दिखाओ कि आपको वो चीज इतनी ज्यादा पसंद नहीं, जैसे आपको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट ना हो, और अपना एक प्राइस बोलो और उससे कहो कि इतने में दोगे तो मैं खरीद लूंगा। अगर उस दुकानदार को आपके खरीदने से प्रॉफिट होगा तो वो आपकी प्राइस में भी उस सामान को बेच देगा। या आप एक मैनिपुलेटर को भी मैनिपुलेट करना सीख जाओगे। एक सक्सेसफुल मैनिपुलेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि उससे कितना छुपा के रखा जाता है। जब आप बिल्कुल नादान और अनजान बनके सामने वाले को कोई हिंट नहीं देते कि आप उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, जब आप उनसे शांति से और आराम से बात करेंगे तो वो आप पर और ज्यादा भरोसा करेंगे और सेफ फील करेंगे, और बातों बातों में वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे जिनका यूज करके आप उन्हें मैनिपुलेट कर पाओगे, जिसके लिए आपको नेक्स्ट पॉइंट को भी सीखना जरूरी है, कंट्रोल अदर्स टोटली। अगर आपको लगता है कि आप दूसरों से अच्छा बिहेव करोगे, हमेशा प्यार से रहोगे तो वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए राजी हो जाएंगे, ऐसा सच नहीं है। एक बात हमेशा याद रखो, ह्यूमन साइकोलॉजी कुछ इस तरह है कि हमें हमेशा वही चाहिए होता है जो हमारे पास नहीं होता। अब इस लाइन को अपनी लाइफ में गांठ बांध के रख लो, ये आपकी लाइफ के हर एरिया में काम आएगी। इसका इस्तेमाल करके किसी को भी मैनिपुलेट करा जा सकता है। सबसे पहले ये देखो कि सामने वाला किस चीज के पीछे है, उससे आपका प्यार, पैसा, टाइम या रिस्पेक्ट, ये जानो कि उसे क्या चाहिए, और स्टार्टिंग में उसे वो देने लगो, और जैसे ही उसे इस चीज की आदत लग जाएगी तो वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। जब भी आपको लगे कि वो आपको हल्के में ले रहा है या आपकी बात नहीं मान रहा, तो उसे उस एक चीज से दूर कर दो जिस वजह से वो आपके साथ है। ऐसा करने से वो परेशान हो जाएगा, उसे वही चाहिए होगा जो उसके पास नहीं है। जिसे देना ना देना आपके कंट्रोल में है। इस कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजी में इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। जब आप रिवॉर्ड को रोक रोक कर थोड़ा थोड़ा देते हो, गैम्बलिंग की लत भी इसीलिए लगती है क्योंकि आप उसमें कभी कभी जीतते हो और जीत का रिवॉर्ड रुक रुक कर मिलता है। सोशल मीडिया की एप्स को इस तरह डिजाइन करा जाता है कि अगर एल्गोरिथम को ये पता चला कि आप उस ऐप को कम यूज कर रहे हो या उस ऐप को छोड़ने वाले हो, तो वो आपको लाइक्स मिलने की और ज्यादा नोटिफिकेशन देने लगता है। और यही रीजन है कि लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पाते। उन्हें पता होता है कि ये इंसान उनके लिए गलत है, वो उसके साथ खुश नहीं है, पर वो खुश होना चाहते हैं। सामने वाला उन्हें हर टाइम बहुत गंदी तरह ट्रीट करता है, पर जैसे ही वो उसे छोड़ने का ख्याल करते हैं, वो उन्हें थोड़ा सा प्यार दिखा के वापस अपने जाल में फंसा लेते हैं। इसी तरह लोगों के माइंड को ट्रिक करने के लिए एक और बहुत अच्छी टेक्निक है, जिसे कहते हैं फुट इन द डोर इफेक्ट। दो भाइयों की कपड़ों की एक दुकान थी। जब भी कोई नया कस्टमर उनके पास आता था और वो किसी ड्रेस का प्राइस पूछता था, तो पीछे से एक भाई बोलता था $42। तभी दूसरा भाई जो कस्टमर के पास ही था, वो बोलता $22। इससे कस्टमर को लगता कि उसने गलती से $22 बोल दिया है। तो कई कस्टमर इस बात का फायदा उठा के जल्दी जल्दी उस ड्रेस को खरीद लेते थे, पर दरअसल ये दोनों भाइयों का प्लान था। दूसरा भाई जानबूझकर $22 बोलता है, ऐसा दिखाते हुए जैसे उसने $42 को गलती से $22 सुन लिया, जबकि उस ड्रेस का रियल प्राइस $22 ही होता है। इस तरह आप भी इस मैनिपुलेशन ट्रिक का यूज कर सकते हो। साइकोलॉजिस्ट इसे फुट इन द डोर इफेक्ट कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी से एक बड़ा फेवर
या हेल्प चाहते हो या अपनी बात मनवाना चाहते हो तो डायरेक्ट एक बड़ी रिक्वेस्ट करने से पहले उनसे एक छोटी सी हेल्प मांगो, जिससे उनके एक बड़ी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट भी करा गया था। कुछ साल पहले रिसर्चर्स कुछ हाउस ओनर्स के पास गए और उनसे अपने गार्डन में एक बड़ा सा बोर्ड अपने घर के सामने लगाने की रिक्वेस्ट की, जिस पे लिखा था ड्राइव केयरफुली, और इमीडिएटली सबने उनकी इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। फिर रिसर्चर्स कुछ और हाउस ओनर्स के पास गए। इस बार उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि वो उनके गार्डन में एक छोटा सा ड्राइव केयरफुली का बोर्ड अपने घर के बाहर लगा दें, और ऑलमोस्ट सभी हाउस ओनर्स ने उनकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। नाउ दो हफ्ते बाद रिसर्चर्स वापस उन्हीं हाउस ओनर्स के पास गए और उनसे कहा कि वो इस स्मॉल बोर्ड को रिप्लेस करके बड़ा बोर्ड लगा दें, और 76% लोग उनकी इस बात से अग्री कर गए। अगर आप भी दूसरों से अपनी बात मनवाना चाहते हो तो पहले उनसे एक दो कोई भी छोटी मोटी बात मनवाओ, कोई रिक्वेस्ट या कोई हेल्प, उसके बाद ही कोई बड़ी बात को सामने रखो। लेकिन ये सब करने के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना ही होगा। लेट देम मेक द डिसीजन। दोस्तों, जब भी आप किसी को मैनिपुलेट करो तो उससे ऐसा कभी मत लगने दो कि आप उसके लिए डिसीजन ले रहे हो या फिर वो आपकी वजह से डिसीजन ले रहा है। एक परफेक्ट मैनिपुलेशन वो होता है जहां सामने वाला वो काम करे जो आप चाहते हो, पर अपनी खुद की मर्जी से। आपने खुद नोटिस करा होगा, जब कोई सेल्समैन आपके पीछे पड़ जाता है कि इस चीज को खरीद लो, तब आप उसे नहीं खरीदते क्योंकि आपको लगता है कि जरूर इसमें उस सेल्समैन का कोई फायदा है, तभी ये आपके पीछे पड़ा हुआ है। जबकि मैनिपुलेशन के दो मेन पिलर्स होते हैं, ट्रस्ट और फ्रीडम। सबसे पहले लोगों का ट्रस्ट जीतो, उन्हें अपने ऊपर भरोसा करवाओ। एक अच्छा मैनिपुलेटर वही होता है जो ये लगने ना दे कि वो किसी को मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि अगर सामने वाला समझ गया कि आप उसके लिए डिसीजन ले रहे हो तो आपकी उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश फेल हो जाएगी। इसीलिए किसी को भी मैनिपुलेट करते टाइम ना ही आपको उनसे बहस करनी है, ना ही अपनी बात को फोर्स करना है, बल्कि उनका भरोसा जीतना है और उन्हें खुद डिसीजन लेने देना है। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लोग आपको रोज मैनिपुलेट कर रहे हैं और आप इस चीज को कभी समझ ही नहीं पाए। आपको लगता है कि आप अच्छे हो तो ये दुनिया भी आपकी जैसी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज की वीडियो में हम लोग 7 ऐसे टेक्निक्स देखने वाले हैं जिन्हें यूज करके लोग जाने अनजाने आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। और आज इसके साथ साथ मैं आपको एक बुक भी सजेस्ट करने वाला हूं, जहां से मुझे मैनिपुलेशन और ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में इतना सब सीखने मिला। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में बात कर रहा हूं तो आप गलत हो, ये बुक उससे भी ज्यादा तगड़ी है। तो सिट बैक, रिलैक्स और ध्यान से हर एक पॉइंट को बारीकी से एंड तक जरूर सुनना और समझना। नंबर 1, गैस लाइटिंग एक ऐसी मैनिपुलेशन टैक्टिक है जहाँ पे सामने वाला इंसान आपके दिमाग में एक डाउट भरता है। आप खुद की मेमोरी को, आपके चीजें देखने के नजरिए को, और कभी कभी तो अपनी खुद की सोच पे भी डाउट करने लगते हो। तो बहुत से लोग इस टेक्निक को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब सामने वाला अपने खुद के शब्दों में अटक जाता है तब उसका माइंड किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए ओपन हो जाता है, और फिर ये लोग अपने विक्टिम से जो भी काम करवाना है वो करवा सकते हैं, और वो भी इजीली। एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाए जिसमें गलती आपकी बिल्कुल नहीं है, लेकिन सामने वाले ने सिचुएशन को ऐसे घुमाया और एंड में ये एस्टैब्लिश कर दिया कि आप ओवररिएक्ट कर रहे थे, आपने चीजों को ठीक से सुन के नहीं लिया, तो वो बंदा गैस लाइटिंग कर रहा है। और ऐसे लोगों से आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए क्योंकि गैस लाइटिंग इनके बिहेवियर में इतना ज्यादा घुल मिल जाती है कि इनको खुद को कभी समझ में नहीं आता कि ये सामने वाले को मैनिपुलेट कर रहे हैं। नंबर 2, रिवर्स साइकोलॉजी। अब रिवर्स साइकोलॉजी जितना सुनने में इजी लग रहा है उतना ही इजी वो समझने में भी है। यहाँ पे सामने वाला आपसे वो चीजें करने को कहता है जो उसे नहीं करवानी। यानी फॉर एग्जांपल, अगर मुझे आपको बताना है कि कोक पीना बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है तो मैं आपको कहूंगा कि दिन में 10 बार कोक पियो, सुबह शाम दिन रात बस कोक पियो, पानी को फेंक दो, बिल्कुल छूना भी मत, पूरी जिंदगी निकाल लो कोक पी के। अब ऐसी बात सुनने पे किसी का भी नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट ये होता है कि वो उस चीज को अवॉइड करेगा और उसके कम्प्लीटली ऑपोजिट करेगा। इसीलिए तो रिवर्स साइकोलॉजी इतना ज्यादा इफेक्टिवली काम भी करती है। आपने ये चीज अपने फ्रेंड सर्कल में कभी ना कभी नोटिस की रहेगी कि जब भी आप किसी बंदे को कहते हो कि तू रहने दे भाई, तू मत ही कर, तुमसे ना हो पाएगा, तो वो बंदा उस चीज को करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। तो इसे ही कहा जाता है रिवर्स साइकोलॉजी। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ह्यूमन साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन को समझ के आप इस दुनिया से ऐसी ऐसी चीजें करवा के ले सकते हो जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते। और देखा जाए तो ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, इन्हें अगर आप सही से यूज करो तो ये काफी तगड़ी टूल हो सकती है, लेकिन अगर गलती से भी गलत तरीके से यूज करो तो उससे भी ज्यादा डेंजरस वेपन जैसा काम करती है। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि मैनिपुलेशन इसलिए नहीं सीखना है कि तुम दूसरों को मैनिपुलेट कर पाओ, मैनिपुलेशन इसलिए सीखो ताकि तुम्हें कोई मैनिपुलेट ना कर पाए। और ह्यूमन साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन के बारे में मुझे इतनी सारी बातें हाउ टू रीड पीपल लाइक अ बुक इस ऑडियो बुक से सीखने को मिली। पहले किसी भी बुक को पढ़ने में मुझे 1 महीना लगता था, आज ऑडियो बुक की वजह से ये काम आप सिर्फ 1 दिन में कर सकते हो। और तो और, कुकू एफएम पे ये ऑडियो बुक हिंदी में अवेलेबल है। इसी के साथ यहाँ पे आपको 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स और ऑडियो शोज अवेलेबल है जिनको
सुनके आप अपने आप को खुद से ग्रो कर सकते हो और वो भी सिर्फ 99 रुपीस पर मंथ में। ऊपर से अगर आप मेरा कूपन कोड VKYT50 यूज करते हो तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, यानी 99 रुपीस का सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीस में फॉर द फर्स्ट मंथ। तो अभी जाके डाउनलोड करें कुको FM, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप समझते हैं अगली टेक्निक नंबर 3, चॉइस रिस्ट्रिक्शन। अब अगर आप किसी के चॉइसेस को लिमिट कर दो तो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी लिमिट हो जाती है और धीरे धीरे आप किसी को भी अपने डिजायर्ड आउटकम पे डायरेक्ट कर सकते हो। अब आप ये चीज मल्टीपल वेज से कर सकते हो, या तो आप उन्हें लिमिटेड ऑप्शंस दो या एक फॉल्स सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर दो, या फिर उनके पास पहले से जो ऑप्शंस थे या फिर उनके दिमाग में कोई और नया ऑप्शन आ रहा है उसको आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। नहीं समझे, एग्जांपल देके समझाता हूं। अब फॉर एग्जांपल समझ लो कि मुझे अपने छोटे भाई को पढ़ाई करने लगाना है, तो मैं उसे क्या कहूंगा? अगर मैं उसे सीधे सीधे कह दूं कि भाई जाके पढ़ाई कर ले, तो जाहिर सी बात है वो मेरी बात सुनने नहीं वाला। यहाँ पे आप उसके साथ एक माइंड गेम खेल सकते हो। आप उसे दो ऑप्शन दे दो, पहला वाला या तो तू जाके पढ़ाई कर ले, या फिर दूसरा वाला घर में कुछ काम पड़े हुए हैं, झाड़ू मारना है, पोछा मारना है, बर्तन धोना है, उसमें मेरा हाथ बटा। अब वो ठहरा एक आलसी इंसान, तो ऑब्वियसली बात है जिस काम में ज्यादा मेहनत लगने वाली है वो उसे छूने भी नहीं वाला, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है जो जाके पढ़ाई करना। एंड ऐसे ही करके आप किसी के भी चॉइसेस रिस्ट्रिक्ट करवा के उनसे अपना काम करवा सकते हो। ये सारी की सारी काफी ज्यादा रियल लाइफ और प्रैक्टिकल टेक्निक्स है, अगर आप इन्हें सही कामों के लिए यूज करोगे तो आपका काफी ज्यादा फायदा होगा, ये चीज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। नंबर 4, गिल्ट ट्रिप। यहाँ पे सामने वाला आपकी किसी भी पास्ट मिस्टेक या फिर आपकी कही गई किसी बात को यूज करके आपको गिल्टी फील करवाता है। अब दुनिया में दो टाइप के इंसान होते हैं, कुछ थोड़े ज्यादा इमोशनल होते हैं और कुछ थोड़े कम। तो ये टेक्निक सबसे ज्यादा इफेक्टिवली काम करती है इमोशनल लोगों पे, क्योंकि जब भी आप किसी इमोशनल इंसान को गिल्टी फील करवाओगे तब वो अपने सारे डिफेंसेस नीचे कर देगा और उसके बाद वो आपकी हर बात मानेगा। लेकिन अगर ये आपके साथ हो रहा है तो इसे पहचाने कैसे? तो कई बार जब इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है तो वो इन सारे वर्ड्स को यूज करता है, नहीं यार तूने उसके साथ बहुत गलत किया, ये सही नहीं हुआ भाई तेरे साथ, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। अगर आपने कभी किसी कन्वर्सेशन में ये लाइन सुनी तो भाई समझ लेना कि आप पे कोई गिल्ट ट्रिप टेक्निक का यूज कर रहा है। नंबर 5, मैनिपुलेटिव निगोशिएशन। अब ये टेक्निक सबसे ज्यादा यूज करते हैं दुकानदार और सेल्समैन, क्योंकि उनका काम ही होता है चीजों को बेचना और निगोशिएट करना। सर कपड़े की क्वालिटी देखो सर, दो हाथियों ने मिलके भी खींचा तो भी नहीं फटेगा, एकदम A1 पीस है सर, एकदम A1। ये दाग नहीं है सर, ये तो डिजाइन है, नया फैशन है मार्केट में, ट्राई करके देखो सर, आप पे बहुत अच्छा दिखेगा, चिंटू को पूछ लो। यहाँ पे सामने वाला कई सारी डिसेप्टिव टैक्टिक्स यूज करता है आपको चीजें बेचने में। तो अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है या फिर अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हो तो आपको ये टेक्निक 100% सीखनी चाहिए। और अगर आपको मैनिपुलेटिव निगोशिएशन के ऊपर एक डिटेल में वीडियो चाहिए तो अभी जाके कमेंट में मुझे बता देना और मैं बहुत ही जल्द आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। नंबर 6, एम्पलीफाइंग प्रॉब्लम्स, यानी आसान शब्दों में बात का बतंगड़ बनाना। यहाँ पे सामने वाला किसी भी छोटी चीज को लेके एक बहुत बड़ा इशू बना देता है और आपके सामने फियर और अर्जेंसी डेवलप करता है। अब ये टेक्निक आपको रियल लाइफ में देखने मिलेगी वहाँ पे जहाँ पे दो पार्टीज के बीच में झगड़ा हो रहा है, कुछ नहीं करना है, बस जाके खड़े रहना है और दूर से तमाशे को देखना है। आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि इशू तो इतना सा ही था लेकिन इन दोनों ग्रुप से मिलके इसे इतना ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया कि लगने लगा कि कुछ बहुत ही बड़ा इशू होगा। छोटा सा स्क्रैच तो है सर, छोटा सा स्क्रैच, अबे पिछले 5 साल से यूज कर रहा हूँ, बच्चे से ज्यादा प्यार किया मैंने गाड़ी से, तू कह रहा है छोटा सा स्क्रैच है? अभी तक गाड़ी को ऐसे टिका के रखा था जैसे नई शोरूम से निकली हो और तूने आके इतना बड़ा नुकसान कर दिया मेरा, अब इसके पैसे कौन देगा? तू देगा पैसे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कमिलियन मैनिपुलेशन। अब कमिलियन मैनिपुलेशन को अगर आप बारीकी से देखोगे तो आप इसे पकड़ भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सामने वाला आपके लाइक्स आपके इंटरेस्ट को रेसिप्रोकेट करता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे क्रिकेट पसंद है और ऊपर से मुझे विराट कोहली पसंद है और सामने वाला भी ये कह रहा है कि मुझे क्रिकेट में विराट कोहली सबसे ज्यादा पसंद है, तो भाई कहीं ना कहीं तुम्हारी बातें तुम्हारा कन्वर्सेशन एक्सटेंड होने लगता है, तुम उस इंसान से ज्यादा अच्छे से बॉन्ड कर पाते हो जस्ट बिकॉज आपको एक सिमिलर इंटरेस्ट वाला टॉपिक मिल गया बात करने के लिए। और कई बार मैनिपुलेटर्स इसी चीज का फायदा उठाते हैं, वो आपके इंटरेस्ट को, आपके लाइक्स को, आपके डिसलाइक्स को अपना कहेंगे। आप चाहे कुछ भी कह दो, सामने वाला कहेगा भाई एकदम सेम मुझे भी यही लगता है, मैं भी अभी यही सोच रहा था। इस टेक्निक में बेसिकली सामने वाला आपकी पर्सनालिटी को मिरर करता है, क्योंकि उसे पता है ये सबसे बेस्ट तरीका होता है सामने वाले के क्लोज सर्कल में घुसने का। तो ये थे कुछ 7 ऐसे मैनिपुलेशन टैक्टिक्स जो आपको आज के आज जरूर सीखने चाहिए, या आपको मैनिपुलेट होने से बचा भी सकते हैं और कई बार कई सिचुएशंस में आपका फायदा भी करवा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना, क्योंकि हमारी टीम बिहाइंड द सीन्स बहुत ज्यादा मेहनत करती है इन वीडियोस को आप तक पहुंचाने के लिए, तो मेरे लिए नहीं लेकिन उनके लिए एक लाइक और एक कमेंट जरूर बनता है। लास्ट में मैं आपको एक और बार वापस याद दिला दूं, कुको FM पे जाके हाउ टू रीड पीपल लाइक अ बुक ये ऑडियो बुक आज के आज जरूर सुनना। आपकी एज कितनी भी हो, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, इस बुक में जितनी भी सारी टिप्स दी है ये आपके लिए पूरी लाइफ बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग। मैनिपुलेशन, अगर इसका सही से ध्यान ना दिया जाए तो हमारे साथ बहुत कुछ हर दिन गलत हो सकता है या फिर हो भी रहा है अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है। सो इस वीडियो को लाने का मकसद मेरा ये है कि आपको मैं ये बता सकूं आप लोगों के मैनिपुलेशन ट्रिक्स को कैसे पहले समझ लो और उनसे बच कर रहो। इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप सीख कर किसी को हर्ट करो, एंड आई रिक्वेस्ट ऐसा मत करना, बिकॉज कुछ डीप मैनिपुलेशन
रूल्स हैं जो हर जगह वैलिड रहते ही हैं, बट कोशिश रहे कि कोई आप पे अगर करने की कोशिश कर रहा है तो आप पहले से अवेयर रहो और स्मार्टली एक्ट करो। इसके लिए मैंने रेफरेंस लिया है, एक बहुत ही पावरफुल ऑथर है जिनका नाम है रॉबर्ट सियाल्डिनी, उनकी एक बुक है इन्फ्लुएंस। तो उसके अंदर कुछ 5 टॉप वेपन्स हैं जो मैंने पाया कि इसने मेरी तो काफ़ी मदद की, सो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा। सो वीडियो काफ़ी इंगेजिंग होने वाला है, वीडियो में मैं आपके साथ लाइव एग्जांपल्स के साथ जो आपके साथ होता है जिसे आप रिलेट कर पाओ बेसिकली, अच्छी अच्छी स्टोरीज के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा और आप इसको कैसे आगे ध्यान रख सकते हो। तो चलो फिर बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल ऑफ मैन्युपुलेशन, दैट इज रेसिप्रोकेशन, मतलब रेसिप्रोकेट करना। आपने पढ़ा भी होगा, ये मैथ्स में एक टर्म होता था रेसिप्रोकेट करो, मतलब बेसिकली उसका उल्टा करना। तो मान लीजिए कि एग्जांपल समझते हैं ना कि आपके मम्मी पापा या हमारे जनरली बहुत स्वीट होते हैं, हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ के आसपास के हम लोग डिनर पे लोगों को बुलाते हैं, अपने नेबर्स को, आसपास के कुछ रिलेटिव्स को। तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपके मम्मी पापा या स्पेशली मम्मी आपकी बहुत अच्छा डिनर प्रिपेयर करती हैं फॉर रिलेटिव्स, फॉर नेबर्स, उनको बुलाती हैं, आप लोग का अच्छा वक्त बीतता है, और आफ्टर सम डेज ऑफ डिनर, आफ्टर सम डेज ऑफ इन्वाइटिंग देम बाय यू ऑल, वो लोग भी आपको बुलाते हैं कि सर आपने बहुत अच्छा हमें यू नो नॉनवेज का इवेंट जो भी आपने पार्टी दी है, हम भी आपको इनवाइट करते हैं, आप आइए प्लीज, मेरे बच्चे का बर्थडे है, या ये कोई इवेंट है, कोई भी बहाना के थ्रू एक दूसरे को रिवॉर्ड करते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, आप नोटिस कर रहे हो, यहां पर रेसिप्रोकेशन काम कर रहा है। अनजाने हम ह्यूमन एज अ पर्सन है कि हम ना किसी का एहसान नहीं रखना चाहते हैं, अगर हम पे किसी ने एहसान किया तो हम उस चीज को एहसान उतारना भी चाहते हैं और अच्छे तरीके से उतारना चाहते हैं। इस पर मुझे अपनी एक कहानी तुरंत याद आ जाती है, क्योंकि मैं कहानियों में बिलीव करता हूँ, क्योंकि कहानी बहुत डीप तक लोगों को सिखाने की ताकत रखती है। तो कुछ सालों पहले की बात है, मैं प्रीत विहार के अराउंड एरिया में घूम रहा था, एंड लौटते वक्त मैं लक्ष्मीनगर में था, वहाँ पे मेट्रो स्टेशन के पास था, तो एक इंसान आया, ठीक है, उसके हाथ में भगवत गीता की किताब थी, भगवत गीता की आपने भी देखा हो, तो उन्होंने मुझसे जय श्री कृष्ण कहा, तो मुझे भी अच्छा लगा, मैंने भी कह दिया जय श्री कृष्ण। फिर उन्होंने अपना एक माला निकाला, बोला कि कुछ नहीं सर आप ये माला ले लो, ये श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद है, तो मैं मना नहीं कर पाया। अब चूंकि मेरे गले में माला आ चुका था और उन्होंने मुझे अपना एक बुक ऑफर कर दिया, छोटा सा एक बुक भी था कोई, तो मैं उसको मना नहीं कर पाया, तो अब मैं कहीं ना कहीं लायबल बन गया था उनको पे करने के लिए। उन्होंने मुझसे कुछ कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि वुड यू लाइक टू यू नो गिव सम चैरिटी इन द नेम ऑफ कृष्णा, मैं मना कैसे करता, मेरे गले में माला थी, मेरे हाथ में छोटी सी किताब थी, और अब मैं उनको किसी न किसी तरीके से पे करता ही, सो मैंने 50 रुपये निकाल कर उनको, 50 या ऐसी कुछ था 100 ऐसे मैंने निकाल कर उनको दे दिया। तो इस तरह रेसिप्रोकेशन कितना स्मार्टली उन्होंने यूज किया, मतलब इससे आपको ये लेसन लेना है कि कोई आपको अगर बहुत ज़्यादा फ्री का फेवर कर रहा है तो रुको, सवाल करो क्या सारी बातें सही हैं, हो सकता है बाद में वो आपका फायदा उठा ले, मे भी बहुत सब लोग ऐसा नहीं करते, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, या फिर फायदा उठाने का मतलब सब कुछ गलत ही होता है, मैंने जैसे भगवान श्री कृष्ण के नाम पे डोनेट कर दिया था मुझे इतना बुरा नहीं लगा, पर मान लीजिए कि कोई आपके साथ गलत करता है, कोई प्यार में आपको इतना पागल कर देता है, इतने रोजेज सरप्राइजेस यू नो नया कुछ मिलना, नए कुछ ड्रेसेस, कि आप बोलते हो ये बंदा या बंदी मेरे लिए इतना कैसे कुछ कर सकता है, और आप फिर रिवॉर्ड करने के लिए कुछ भी हद तक गिर जाते हो। ये लड़के बहुत स्मार्टली करते हैं, और क्योंकि वो फिजिकल इंटीमेसी को हासिल करना चाहते हैं लड़कियों से, तो बहुत सारे गिफ्ट देंगे, बहुत जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे। तो लड़कियां आपको सतर्क रहना है कि कोई लड़का बहुत जल्दी में तो नहीं है यू नो बहुत सारे गिफ्ट दे रहा है, बहुत अटेंशन देना है, हद से ज्यादा आपसे चिपकने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। सो इस तरह ये काम करता है, और इसको आप स्मार्टली ऐसे यूज कर सकते हो कि अगर आप किसी इंसान से फेवर चाहते हो तो उनकी मदद करो, बहुत सारा हेल्प करो, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, जैसे भी कर सकते हो, तो वो इंसान आपको हेल्प करने के लिए लायबल हो जाएगा। लेकिन फिर से याद दिला रहा हूँ, प्लीज़ किसी के साथ बुरा मत करना। मैं भी बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ डार्क साइकोलॉजी के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, बट आई ट्राई टू यूज़ इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, किससे ह्यूमैनिटी का भला हो, पढ़ना चाहूँ तो मैं इसका बहुत सारा गलत यूज़ कर सकता हूँ, बट इससे किसी का जीत नहीं है। सेकेंड वेपन ऑफ इन्फ्लुएंस, टू क्रिएट द स्कार्सिटी। आपको एक कहानी पता है, एक वक्त की बात है, मुझे एग्जैक्टली सिटी तो नहीं याद है, पर मैं आपको बहुत डिटेल में समझाता हूँ, आप समझोगे, बहुत मज़ा आएगा आपको। ट्यूलिप फ्लावर का नाम सुना है, अगर नहीं सुना है तो इस वीडियो के बाद एक बार गूगल पे सर्च कर लेना ट्यूलिप फ्लावर, हार्डली आज 500 रुपये का मिल जाता है, अभी आप जाओगे आपको दिल्ली में मिल सकता है, कहीं मिल जाएगा,
पर ये बात है 1700 सदी की। उस समय जो वहां के राजा थे वो नहीं चाहते थे, जो ट्यूलिप फ्लावर है, ट्यूलिप फ्लावर वो चाहते थे कि ये फ्लावर ना सिर्फ राजाओं को सिंबलाइज करे, ये नॉर्मल इंसान यूज ना करे। उन्होंने वहां के किसान को ये स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अगले 3-4 महीनों में इस फ्लावर का प्रोडक्शन इतना ज्यादा कम कर दो कि नॉर्मल इंसान इसको पाने के लिए छटपट आ जाए। और यही हुआ। तो मैं आपको इसको रेफरेंस पॉइंट समझाता हूं। तो ये फूल आज के समय में मान लीजिए कि 30,000 रुपए का हो गया है, क्या आप इतने छोटे से फूल का 30,000 दोगे? नहीं। उस वक्त राजा ने फूल के प्रोडक्शन को इतना ज्यादा कम कर दिया कि उसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई। याद रखना, जिंदगी में जितना आप अगर लोगों से अपनी वैल्यू करवाना चाहते हो उतना कम दिखो, उतना कम बोलो। रूल ऑफ स्कैर्सिटी हर जगह काम करता है। आप जितना ज्यादा बोलोगे, जितना ज्यादा दिखोगे, उतना आप ऑर्डिनरी दिखोगे। आपकी बातें एवरेज रह जाएगी, आपके बोलने का चलने का तरीका सब एवरेज रह जाएगा अगर आप ओवर अवेलेबल हो। इसके लिए एक और एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। कपिल शर्मा का शो आपने देखा होगा या फिर एयरपोर्ट पे आप देखते होगे, कि आप नोटिस कर दोगे कि कुछ कुछ एक्टर्स आपको लगता हो कि वो लोग जानबूझ के यू नो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो बिजी होते होंगे। वो बार बार बोलते हैं कि कपिल आई हैव टू गो, कपिल मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, मैं ज़्यादा तक नहीं रह पाऊँगा, बाय बाय ऑडियंस करके वो निकल जाते हैं, या फिर एयरपोर्ट पर बहुत भागा भागी वो करते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो ऐसा यू नो जानबूझ कर रहे हैं? हो सकता है रेयर केसेस में होता है, पर मेजॉरिटी केस में ये टीआरपीज होते हैं। जानबूझकर वो लोग कम अवेलेबल होना चाहते हैं। अगर मान लीजिए शो अगर 2 घंटे का कपिल का, और वो उस 2-3 घंटे के शो में पूरे टाइम रहेंगे ना और बार बार आएंगे, तो उनकी वैल्यू गिर जाएगी। यार ठीक है ना, नॉर्मल से एक्टर है, नॉर्मल से क्रिकेटर है, ठीक है, इसके भी प्रॉब्लम्स एंड ऑल, पर वो जानबूझ के भाग जाते हैं आधे घंटे के अंदर में कि देखो मैं बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ, मेरी इज्जत करो, मुझसे सही से बात करो और फिर मैं अब चला। इस तरह रूल ऑफ स्कैर्सिटी हर वक्त काम करता है। और आपको भी ऐसी अपनी वैल्यू बनानी है। प्लीज मत हर जगह अवेलेबल रहो, तुम्हारे बिना दुनिया चल रही है और चलेगी अच्छे से। ये समझो कि कहां तुम्हें रहना है, कहां तुम्हें अपनी वैल्यू करवानी है। रिसेंटली मैं एक अभी शादी में गया था, तो शादी बहुत अच्छे से हुई, इसमें कोई शक नहीं था, सब कुछ अच्छा था। और वहां पर सबके ठहरने का भी उत्तम प्रबंध था, मतलब अच्छा खासा अरेंजमेंट था। मेरे पेरेंट्स भी वहीं पर स्टे कर रहे थे बगल वाले फ्लैट में। तो मुझे बोला गया कि तुम भी, राज मेरे घर का नाम है, रुक जाओ किसी फ्लैट के अंदर। तो मैं चाहता था रुक सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी, पर मैं जानता हूँ बहुत बेसिक रूल है ये कि आदित्य अपनी वैल्यू करवानी है या अपना कुछ वैल्यू रखना है लोगों के बीच, ना ओवर अवेलेबल मत रहो। मैंने जानबूझ के कहीं और में स्टे कर रहा था, बहुत सारे मेरे पास रास्ते हैं स्टे करने को, तो मैं एक जगह स्टे आराम से कर रहा था और बहुत लिमिटेड टाइम के लिए जाता था, मिलता था वापस चला आता था, मिलता था शादी में या कोई भी इवेंट था, मिलता था उनसे फिर वापस चला आता था। क्योंकि मुझे पता था कि मैं हद से ज़्यादा अवेलेबल हूँ तो उनके लिए बहुत ही मैं ऑर्डिनरी इंसान बन सकता हूँ, और इसीलिए मैंने चीज़ को सही से यूज़ किया। और जब भी मैं जाता था एक अलग रिस्पेक्ट, अच्छा राज आया है, चलो बैठते हैं, बातें करते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, और मुझे भी ऐसे ही अच्छा लगता है इवन। तो अपनी वैल्यू करवाना सीखो। इसको मैं यही सिखाना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो अवेलेबल मत रहो हद से, या कोई आपके लिए बहुत ओवर अवेलेबल है तो थोड़ा सा आप मानो ना मानो आप देखोगे कि आप दोनों के बीच में दरार आएगा। जैसे कि आपने कोरोना के वक्त में देखा होगा बहुत सारे यू नो डाइवोर्स रेट बढ़ गया था इंडिया के अंदर। क्यों बढ़ गया था? वाइफ हस्बैंड 24 घंटे चिपके हुए थे एक दूसरे के साथ, तो ऑब्वियसली एक दूसरे की शक्ल पसंद नहीं आएगी, एक दूसरे का रियल रूप सामने आएगा ही, दैट्स अ प्रूवन थिंग। अरे तुम मेरे बाबू हो ना, मुझसे चिपके रहो, इवन तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में हो, हैव अ डिस्टेंस, जानबूझ के दूरी बनाकर रखो, कम मिलो, वैल्यू हाई रहेगी एक दूसरे के लिए, रिस्पेक्ट रहेगा, वरना सब खराब करोगे तुम। थर्ड वेपन ऑफ इन्फ्लुएंस, लाइकिंग। चलो इसके लिए मैं लड़कियों से जो देख रही हूं उससे सवाल करता हूं कि आप लास्ट टाइम कौन सा मेकअप ब्रांड खरीदी थी? के ब्यूटी, शुगर कॉस्मेटिक्स, या जो भी है मुझे इतना नहीं पता, पर आपने क्यों खरीदा था? जो भी के ब्यूटी को प्रेफर करती होंगी वो कटरीना कैफ से बहुत इंस्पायर होंगी, जो लोग विनीता को फॉलो करती होंगी शार्क टैंक इंडिया में वो लोग शुगर कॉस्मेटिक्स को प्रेफर करती होंगी, जिनके पास बहुत हाई एंड बजट है वो हुडा ब्यूटी को प्रेफर करती होंगी। तो आप समझ रहे हो, हम जिस चीज़ को पसंद करते हैं हम उनके दिए गए चीज़ों को भी पसंद करते हैं। मतलब क्या है, मैं और मेरी सिस्टर एक दिन घूमने गए थे, हम लोग कभी कभी मिलते हैं, हमारा बात चल रहा था, शी वॉज आस्किंग मी कि तुम वो देखते हो शार्क टैंक इंडिया, तो मैंने बोला मैं कभी कभी देख लेता हूँ। तो फिर उसने मुझसे कहा कि मैं ना विनीता से बहुत इंस्पायर हूँ, विनीता बहुत अच्छा काम कर रही है, एंड शी हैज डन अ ग्रेट जॉब, मतलब उसने कैसे यू नो छोटे जगह से इतना बड़ा कंपनी खड़ा किया है, और इसीलिए उसके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, मैं उसके प्रोडक्ट लेने जा रही हूँ, कल मैंने शुगर कॉस्मेटिक्स से 3-4 सामान मंगाए हैं। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि माई सिस्टर सिंस लाइक्स विनीता
That's why she preferred the item or the product which is suggested by Vinita. यानी विनीता को मेरी सिस्टर पसंद करती है तो विनीता जो प्रोडक्ट रिकमेंड करेगी वो सिस्टर मेरी खरीदेगी और इसको बोलते हैं लाइकिंग स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे लड़के मुझसे ऑफेंड हो जाएंगे कि आदित्य मेरे लिए भी तो एग्जांपल दो ना, सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों। तो तुम भी हो सकता है माही के, महेंद्र सिंह धोनी के या किंग कोहली के किसी के फैन होंगे और मेरी तरह कोई यहाँ पर है जो कोई यू नो क्रिकेट नहीं देखता है ज़्यादा तो वो भी बता सकता है, पर मतलब आप समझ रहे होगे। अगर माही ने कुछ रिकमेंड कर दिया ना तो वो गलत नहीं होगा। कोई इंजनल का वो प्रमोट कर रहे होते हैं कुछ भी, मुझे इतना याद नहीं ऐड, पर अगर माही ने किया है तो अच्छा होगा क्योंकि हम उनको ट्रस्ट करते हैं। इसका मतलब सिंपल है कि अगर हम किसी चीज पर ट्रस्ट करते हैं, किसी को लाइक करते हैं तो हम उससे वो चीज लेंगे। और ये ब्रांड अच्छे से करवाती है, वो इन्फ्लुएंसर्स को अच्छे खासे पैसे देती है, यूट्यूबर्स को पैसे देती है, यू नो, क्योंकि हम उन्हें पसंद करते हैं तो जो वो प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं वो भी हमारे लिए वो अच्छा ही करेंगे, इसलिए हम प्रोडक्ट को भी उनसे खरीदते हैं। या फिर आप याद करो, आप किसी कोचिंग में बैठे थे, कोचिंग आप लोग गए हो गए आगे और प्रिपरेशन के लिए करोगे कोचिंग, तो जब आप लोग अपने कॉमन जगह वाले लोगों से मिल जाते हो, अरे तू भी बिहार का है, अरे तू भी दिल्ली का है, अरे यू तू हरियाणा से है, तो कितना अपनापन फील होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम कॉमनली चीज़ों में होते हैं ना तो हम बहुत अट्रैक्ट फील करते हैं दूसरे के साथ, और इस तरह ये चीज़ काम करता है। लेकिन आपको इससे बिवेयर भी रहना है, कोई आपके साथ आके खेल के तो नहीं जा रहा है। मान लीजिए कोई कंपनी गलत प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है, किसी जैसे कि बेटिंग ऐप्स होते हैं, बहुत सारे गेमिंग ऐप्स होते हैं जो इंसान के यू नो फोकस को किल कर सकते हैं, पर वो किसी बड़े बड़े क्रिकेटर्स इवेंट प्रमोट करते हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपके बहुत फेवरेट भी उनमें से, पर समझना पड़ेगा वो लोग भी आके बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करते हैं और आप आंख बंद करके ले लेते हो, जो कि गलत है। यहीं पे आपको रुकना है, सवाल करना है, क्या हर चीज जो उन्होंने कहा है वो सही तो नहीं होगा। आपको यहीं पर रुकना है, यहीं पे आपको अवेयरनेस को हाई रखना है, जो मेरा काम है आपको देना वीडियोस के थ्रू। तो इस पॉइंट का समरी यही है कि लाइकिंग स्ट्रेटजी में ध्यान रखना है, कोई आपको जानबूझ के अपने आपको पसंद करने पे मजबूर तो नहीं कर रहा, कोई जानबूझ के दोस्ती करने के लिए जबरदस्ती के आपके ग्रुप में आने के लिए आपकी बातें कर रहा है, आपके तरह यू नो बातें बना रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा क्या इसका इंटेंशन सही है, क्या ये वाकई में ऐसा है या फिर फेक कर रहा है, पहचानो। इसीलिए ये पॉइंट था। फोर्थ वेपन ऑफ इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी। ये क्या होता है, आपने विद्युत जामवाल का एड देखा है, एक मसल ब्लेज का, जिसमें वो सिंगल हैंड से लड़की को लिफ्ट करते हैं, कितने ज्यादा स्ट्रांग दिखते हैं वो। मसल ब्लेज भी इस एड के थ्रू बहुत सारे पैसे कमाए उसने। तो अगर ये स्टंट आकर कोई नॉर्मल सा स्टंटमैन करता तो हम उतने इंप्रेस नहीं होते, लेकिन हम जानते हैं कि ही इज अ विद्युत जामवाल, He is a great actor. He is a great martial artist. He is great in action. तो अगर ये बंदा इस चीज़ को बोल रहा है ना तो मतलब प्रोटीन में दम है और मैं भी ये प्रोटीन लूंगा और मैं भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुआ था। और इसी को बोलते हैं रूल ऑफ अथॉरिटी। मतलब आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो या जिस फील्ड में आप जा रहे हो, अपनी अथॉरिटी उसके अकॉर्डिंग बनाकर रखो ताकि लोग आपको एज अ अथॉरिटी वहाँ की देखें। इस पर एक बहुत भयानक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको कुछ समय के बाद बंद भी करना पड़ गया। मैं आपको समझाता हूँ बेसिक लेवल पे, बहुत बेसिक है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ जहाँ पर 10 लोग लिए गए, 10 के 10 एक ही कॉलेज के, एक ही क्लास के सेम कलीग थे। 5 को बोला गया तुमको पुलिस का, जेलर का यू नो कॉस्ट्यूम मिलेगा और 5 को बनना था कैदी, प्रिजनर्स। और ये एक सेट बनाया गया था जेल, और इसका पूरा उसी तरह सेट बनाया गया था कि देखकर ही फील आ रहा था कि पूरा जेल है। और 2 घंटे के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, तो जब 1 घंटा बीता एक्सपेरिमेंट का तो इतना भयानक रिजल्ट बन गया कि एक्सपेरिमेंट को बीच में ही रोकना पड़ गया साइंटिस्ट को। हुआ यूं कि जो 5 लोग जेलर्स बने थे उनको बोला गया कि आप जेलर्स वाले कपड़े पहनो और जितना हो सके इनको टॉर्चर करना है आपको, कि जेलर जो भी करता है मारना पीटना डरा डरा के काम करवाना आपको करवाना है। और जो 5 प्रिजनर्स थे उनको बोला गया आपको प्रिजनर्स की तरह ही बनकर रहना है, डरना है सहमना है, जो ऑर्डर मिले वो करना है। और यही हुआ, जब जेलर्स ने जेलर वाला कपड़ा पहन लिया, हाथ में स्टिक ले लिया, वो अपने आप को जेलर ही समझने लगे, वो उतने ही क्रूर बन गए, उतने ही रूड बन गए, उतने ही हार्श थे वो यू नो प्रिजनर्स के ऊपर, और प्रिजनर्स पे डरे डरे थे, सहमे सहमे थे, और इतना बुरा हो गया कि जेलर्स वाकई में टॉर्चर करना उनको सीरियस लेवल पे करना शुरू कर चुके थे, क्योंकि वो पूरी तरह से कैरेक्टर में आ चुके थे। और ये होता है व्हेन यू हैव दैट अथॉरिटी। इसीलिए बोलते हैं अथॉरिटी को सही से यूज़ भी करो, इसलिए बोलते हैं अथॉरिटी या वर्दी जो दी जाती है किसी भी काम में उसको सीरियसली लिया करो। बहुत बार आपने सुना भी होगा कि एक आर्मी का जो जवान होता है वो बोलता है कि ये सिर्फ वर्दी नहीं है, ये मेरी यू नो शान है, क्योंकि उससे उसकी इमोशंस जुड़े हैं, इसलिए बोलते हैं अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको मैनिपुलेशन से बचने के लिए ध्यान रखना कि कोई जानबूझ के फेक अथॉरिटी बनके तो नहीं आ रहा है। बहुत बार ऐसा हुआ भी है, स्कैम आपने देखा होगा, कोई फेक बिजनेसमैन बन के आते हैं और पैसा लेकर चले जाते हैं। शायद एक मोबाइल केस हुआ था फ्रीडम 251, बहुत लोगों ने बुक किया था, मैंने भी उस मोबाइल की बुकिंग की थी पर आज तक आया नहीं, मैंने 250 रुपये कुछ दिए थे। तो
जो भी था, कहने का मतलब यही है कि कोई अथॉरिटी बनकर आता है तो हमें लगता है कि यार यू नो ये अच्छा बिजनेसमैन होगा या ये अच्छा पुलिस वाला होगा, लेकिन बहुत तो फेक होते हैं। बहुत सारे यू नो क्रिमिनल के केसेस आप देखते होंगे सावधान इंडिया पे, न्यूज चैनल पे, कि इसने ऐसा वर्दी पहन के बेवकूफ बनाकर ठक्कर चला गया। तो आपको ध्यान रखना है, कोई जानबूझ के ये तो नहीं कर रहा है, कोई अथॉरिटी अपने गलत यूज़ तो नहीं कर रहा है, फिर फेक अथॉरिटी बनकर तो नहीं आ रहा है, आपको ऐसे समझना पड़ेगा। और इस पर मुझे कहानी अभी याद आई कि मैं भी लौट रहा था, मैं जर्नलिंग करता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ जर्नल करो, बहुत सारे स्टोरीज होते हैं तुम्हारे पास, बहुत सारे किस्से होते हैं लाइफ के। तो याद है कि मैं ट्रेन में भी लौट रहा था कुछ दिन पहले, तो मैं बैठा था, तो मेरे सामने एक बंदा बैठा था, वो उसके बॉडी लैंग्वेज से पहचान गया था कि उसके अंदर कुछ तो बात है, उसके चेहरे पे बिल्कुल ग्लो था, हाथों में बिल्कुल नसें दिख रही थी, यू नो ऐसे मेरी भी है वैसे बहुत, तो उसके हाथ में बहुत काफ़ी नसें दिख रही थी, जिससे लग रहा था वो काफ़ी फिट है, अपने पे यू नो ध्यान रखता है, डाइट ये सब अच्छे से लेता है, और बॉडी लैंग्वेज काफ़ी उसकी डिसिप्लिन वे में थी, पैर क्रॉस करके वो पेपर पढ़ रहा था। तो मुझे लगा इस बंदे में कुछ तो बात है, ये कुछ छुपा रहा है। और सडनली हुआ यूं कि एक सीट के लिए दो पैसेंजर में लड़ाई हो गई, यू नो ये मेरा है, ये मेरा है, मैं टीसी से बात करूंगा, ये वो, और बात इतनी बिगड़ गई उन दो लोगों में, दो यंग लड़के थे, कि दोनों एक दूसरे के ऊपर लगभग हाथ छोड़ने वाले थे। जैसे ही वो हाथ छोड़ने वाले थे, वो जो बीच का वो मेन बैठा हुआ था, लगभग 30s में होगा वो मेन, वो उठा मैन, और उसने एक हाथ यू नो एक लड़के का हाथ रोका और दूसरे हाथ से एक को कंट्रोल में ले लिया, बिल्कुल हाथ दोनों का ऐसे घुमाया, और वो दोनों लड़कों का हाथ घूम चुका था, दोनों छटपटा रहे थे, सर छोड़ दो हाथ दर्द हो रहा है। तब मुझे पता चला कि उसका एक छोटा सा यू नो कहीं पे मुझे कुछ याद कुछ बैच दिखा इंडिया का, तो मुझे पता चला ये स्पेशल ट्रेंड कमांडो है। और उसने लास्ट में बोला, अभी जब हमारी बात हुई, उत्तराखंड में अभी वो पोस्टेड है, तो इस तरह पता चला कि वो स्पेशल ट्रेंड कमांडो है, और बहुत आसानी से उन्होंने डील कर लिया। तो मुझे पता चला कि अथॉरिटी ना बहुत बार दिखाने से नहीं दिखती, आपकी बॉडी लैंग्वेज चिल्लाकर बोलती है। जैसे कि आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी एनर्जी, एक्साइटमेंट, पैशन, कैरिज्मा को छुपा नहीं सकता हूँ, आप इस चीज़ को कैच कर लेते हो कि मेरे वीडियो के अंदर एक यू नो कन्विक्शन से बात करना, समझाना। तो इस तरह अपने फील्ड के मास्टर बनो, आप भी जिस फील्ड में काम कर रहे हो वैसे दिखो, वैसे बातें करो, वैसे कम्युनिकेट करो, अपने आप को पोर्ट्रे करो, डिस्प्ले करो, जो भी हो सके अपने आप को ऐसा दिखाओ कि आप यूनिक हो उस फील्ड के अंदर में। और ऑटोमेटिक कोई आपके साथ ये चीज़ फ्रॉड करे तो उसका भी ध्यान रखो कि अथॉरिटी का कोई गलत यूज़ तो नहीं कर रहा है। एंड फिफ्थ वेपन ऑफ इन्फ्लुएंस, सोशल प्रूफ। बहुत बेसिक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। आप में से मोस्ट ऑफ द लड़के कैसे लड़कियों को इंप्रेस करते हैं, मैं बताता हूँ। मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ, यू नो मेरे पास इतनी सारी यू नो फॉलोइंग है, यू नो लड़कियाँ मेरे स्मार्टनेस पे, मेरी स्माइल पे फिदा हैं, इन शॉर्ट मेरे अंदर ये क्वालिटी है, ये सब है, ये वो लड़की बोलती है, खुद ही अपने बारे में इतना क्यों फेंक रहा है। अगर आप एक मेरे प्रॉपर यू नो चैनल को फॉलो कर रहे होगे तो आप साइकोलॉजी का यूज़ करोगे, आप कुछ बोलोगे नहीं तो आप इस तरह नहीं करोगे, आप ये दिखाओगे कि आप ऑलरेडी ना बहुत सारी लड़कियों में पॉपुलर हो। यू नो रीना ने मेरे बारे में ये कहा, सीमा मेरे बारे में ये कह रही थी, तो सामने वाली लड़की को भी लगेगा यार ये तो बंदा बहुत पॉपुलर है ऑलरेडी, तो आपके लिए अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं सोशल प्रूफ। हम उनको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स देम, जो ऑलरेडी लोगों के यू नो सोसाइटी में बेसिकली एक्सेप्टेड है। जैसे कि मान लीजिए रिसेंटली मैं एक इवेंट में गया था, तो एक दो सब्सक्राइबर आए मेरे, उन्होंने मेरे साथ फोटो क्लिक किया, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे पहले मुझे नहीं जानते थे, फिर वो समझ गए कोई तो बात है इसके अंदर, फिर वो मुझसे आकर पूछ रहे थे और उस लड़के से भी, दो तीन लड़कों से, कौन है ये एंड ऑल। तो ऑटोमेटिक उनका भी अट्रैक्शन जा गया, वो भी मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, वो भी मेरा भी कंटेंट देख रहे हैं, वो भी मुझसे काफ़ी इंस्पायर हो रहे हैं। तो बेसिकली मैसेज ये है कि आपको अपने बारे में चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे काम करना है कि लोग आपके बारे में बात करें आकर, जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो। लेकिन मैनिपुलेशन के केस में आपको ध्यान रखना है कि कोई इंसान जानबूझ के सोशल इन्फ्लुएंस गलत तो यूज़ नहीं कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई बिजनेस गलत टेस्टिमोनियल बना के आपको दिखा रहा है कि देखो मैंने इतने सारे काम क्लाइंट के साथ कर रखा है, इतने क्लाइंट को सेटिस्फाई किया, लेकिन क्लाइंट से आप जब बात करते हो तो फेक है, सारा काम फेक कर रखा उन्होंने। तो आपको यहाँ मैनिपुलेशन में ध्यान रखना है, कोई जानबूझ के आपको गलत चीज़ तो नहीं दिखा रहा है। कोई बोल रहा है कि मैं बहुत सारी लड़कियों में पॉपुलर हूँ, लेकिन आप रियलिटी चेक करते हो जाकर तो आपको पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, या बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है पर कहीं भी इसकी वैल्यू इतनी है ही नहीं, ये चीज़। तो सोशल प्रूफ का मतलब ये होता है कि दो वर्ड से मिलकर बना है, सोशल प्रूफ यानी सोसाइटी के द्वारा जो प्रूफ दिया गया है वो चीज़ अगर है तो आप एक्सेप्टेड फील हो जाते हो सोसाइटी के अंदर में, और हमें मिलजुल के रहना होता है, हम एक सोशल एनिमल है तो हम डिनाई बहुत लेवल तक नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि आपको अपने लिए इसको सही से यूज़ करना है, सही से लोगों से यू नो टेस्टिमोनियल लेना है। जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आप सब्सक्राइब करोगे पहले जाके चैनल चेक करोगे, आप बोलोगे आदित्य को ऑलरेडी 4 लाख लोग प्यार कर रहे हैं, मतलब कुछ तो इसमें बात है, चलो मैं भी इसको चेक करके एक बार देख लेता हूँ, इस तरह काम करती है। लेकिन कोई आपको फेक नहीं कर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इवन आप फ्लिपकार्ट खरीदने जाते हो, अमेजोन खरीदने जाते हो, तो आप क्या देखते हो, याद करो पहले रिव्यूज़।
मान लो कोई बुक आपको पसंद आ गई तो उस पर रिव्यू क्या है 4.2 out of 5। आप बोलते हो यार बुक में कोई तो बात है, इतने लोग इसको ऑलरेडी पसंद कर रहे हैं, 100 रेटिंग दे रखा है लोगों ने, तो मैं तो इसको लूंगा। आप या हम ऑटोमेटिकली सोशली वायर्ड हैं, हम मना नहीं कर सकते हैं, पर इसका कोई आपको यूज ना कर ले, ये आपको बस ध्यान रखना है। सो ये थे 5 पावरफुल मैनिपुलेशन टेक्निक जिनका आपको ध्यान से यूज करना है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई आप पे यूज ना करे, ध्यान रखना। सो कमेंट में बताओ कि आप में इनमें से कौन कौन सा यूज किया है या आप पर हुआ है कभी, सब लोग बताना प्लीज, क्योंकि मैं इंटरेक्ट करता हूँ, आई लव टू इंटरेक्ट विद माय पावरफुल रिबेल कम्युनिटी। सब लोग बताओ, एक्सपीरियंस शेयर करो, मैं आपसे वहीं पर अच्छे से डिस्कस करूंगा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अपने तक मत रखो, बहुत लोग के साथ मैनिपुलेशन होता है जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए मैं अपने डार्क साइकोलॉजी का कोर्स और जल्दी ला रहा हूँ बहुतों की हेल्प करने के लिए, पर फिलहाल के लिए प्लीज लोगों को शेयर करो, बेसिक रूल्स पता होने चाहिए लोगों को। मुझे बुरा लगता है जब कोई आकर बहुत सारी चीजें बोलता है, सर मेरे साथ ऐसा हो गया, लेकिन वो अगर अवेयर रहते तो ऐसा नहीं होता। प्लीज शेयर करो स्टोरी पे, स्टेटस पे, टेलीग्राम पे, जहां भी हो, कोई अच्छा टॉपिक हो सजेशन में तो जरूर बताना, मैं उसको देखता हूं। अच्छा वो टॉपिक तो वीडियो जरूर बनेगा, और साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंप्लेन हमेशा से रहता है कि वीडियो कब आता है, कब जाता है, एक बार बता दो आदित्य, ताकि हम अवेयर रहे और उसी वक्त वीडियो को चेकआउट करें। और सब्सक्राइब तो तभी करना जब वीडियो पसंद आए, या चैनल पे जाके चेकआउट करते हो, वीडियोस अच्छे लगते तो करना, वरना कोई फोर्स नहीं है। चलो फिर मिलते हैं ऐसी पावरफुल वीडियोस के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे।